अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम लैपटॉप स्कीम के बारे में कि पीएम लैपटॉप स्कीम से आप लोग अपना स्टेटस जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो इसमें पीएम लैपटॉप स्कीम गूगल पर लिखेंगे। सर्च में हमने पीएम लैपटॉप स्कीम लिख लिया, उसके बाद इसको जो है वो सर्च पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो इसमें ये फर्स्ट लिंक है www.hec.gov.pk. है वो आगे पेजेस है, इसको फर्स्ट लिंक को हमने क्लिक कर लेना है। फर्स्ट लिंक ओपन हो गया हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पे जाने के बाद आपने यहाँ से फेस सेलेक्ट करना है, 22-23 है, उसके बाद सिटी जो भी आपकी है वो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर लेनी है, नेक्स्ट जो है आपने मेन कैंपस है वो सेलेक्ट कर लिया, डिग्री जो भी है आपकी वो सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद जो है वो डिग्री कौन सी है आप 18 ईयर MS है, PhD है या BS या MSc जो भी है, MCS, ईयर ऑफ डिग्री कौन सा चल रहा है आपका, सेकंड है थर्ड है जो भी। फिल्टर सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास ये इनकी इनरोलमेंट नंबर, डिग्री BS ऑनर्स है, ईयर ऑफ स्टडी सेकंड है, सेमेस्टर थर्ड है, लास्ट एग्जाम CGPA वो भी शो हो रहा है, और परसेंटेज वो भी आ रही है 69.37, स्टेटस अप्लाइड आ रहा है और मेरिट स्टेटस अभी तक NA आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तक इनका जो है वो मेरिट जो है वो अभी तक मेरिट वाला फाइनल नहीं हुआ, सीन यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं कि अपना जो है वो स्टेटस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये मेरिट स्टेटस है, यहाँ से NA की जगह जो है वो ये इस तरह से लिखा आ जाएगा, अप्लाइड स्टूडेंट है सक्सेसफुली सबमिटेड हिज आर हर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रिकॉर्ड है बीन कंफर्म्ड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, उसके बाद डिसअप्रूव्ड स्टूडेंट हैज बीन डिसअप्रूव्ड स्लोली बाय द यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन ड्यू टू फ्यू रीजंस विच मे इंक्लूड इनकरेक्ट एकेडमिक डिटेल्स और डेट ऑफ एडमिशन मिसकंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये इश्यूज हो सकते हैं इसमें, यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट लिस्ट, अगर सिलेक्टेड आ जाए ये वाली चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट फॉर अवार्ड ऑफ लैपटॉप, उसके बाद नॉट सिलेक्टेड आ जाए इसके लिए द स्टूडेंट इज एलिजिबल बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड लैपटॉप कोटा, अगर लैपटॉप जो है वो लिमिटेड हो गए तो ये इस तरह से आ जाएगा, एसेट इशू है, स्टूडेंट हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप इन प्रीवियस स्कीम इन केस ऑफ एनी, ये इसमें लिखा हुआ है कि अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से आप लोग रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें, आपको पहले ही लैपटॉप जो है वो इशू हो चुका है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।